On the night of August 1, there was a dispute between policemen present in the Bagbedra patrolling jeep and Kinnar over some issue at Tatanagar railway station, where the matter reached the police station. A day later, the SHO called the Kinnars to the police station and talks were held with the members of Kinnar community. People were demanding action against the guilty police officer. Meanwhile, in the presence of police station in charge, two Kinnars were beaten brutally by the police officer and soldiers present in the police station. While the scars of police beating present on the bodies of the Kinnars are testifying to this, the people of the Kinnar community who reached the district headquarters pleading for the justice say that the Bagbedra police treated the Kinnar community rudely and beat them mercilessly. Same thing happened. Now, we the people of Kinnar community are demanding strict action against such guilty police station in charge and police officer. If immediate action is not taken against the guilty officers, the entire Kinnar community of the city will protest outside the district headquarters. को रात में 10-11 बजे के आसपास है ना, टाटानगर स्टेशन में मेरी फ्रेंड के साथ मारपीट हुआ। वहां पे कुछ लड़का लोग पुलिस बन के, बिना वर्दी में भी पुलिस बन के गन पिस्तौल लेके घूमता है, वही लड़का लोग इसके साथ मारपीट किया। एक था वहां पे कांस्टेबल, वर्दी में था समझे, वही बात लेके हम लोग फिर थाना गए। वो लोग बोला हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र का थानेदार है, ऐसा है वैसा है, तो हम लोग क्या बागबेड़ा डीबी रोड में जो थाना है वहां पे गए। मेरी फ्रेंड गई और उसका जो चेला है वो गई, मेरे जो चेला है वो लोग गई साथ में गई। थाना में भी ये लोग के साथ मारपीट किया, पूरा थाना प्रभारी भी तमाशा देख रहा है, बड़ा बाबू तमाशा देख रहा है, जितना कांस्टेबल है सब तमाशा देख रहा, मारपीट हुआ सब हुआ। उसके बाद बड़ा बाबू हाथ जोड़ा, निवेदन किया, जो आप लोग आज नहीं कल रात को 10 बजे आइएगा, आप लोग का जो है फैसला हो जाएगा, जो नुकसान हो उसका भरपाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग गए वही बात करने के लिए कल रात में 10 बजे के आसपास, तो बोल रहा है जो ड्राइवर तुम लोग के साथ मारपीट किया और जो कांस्टेबल था उसको हम लोग भगा दिए हैं, उसको नौकरी से हटा दिए हैं या सस्पेंड किया, कुछ ऐसे बोला है ना। हम बोले सस्पेंड किया जो भी किया उसका पेपर प्रूफ दिखाओ कम से कम। तो बोल रहा है तुम ज्यादा मुंशी बन रही है, तुमको क्या जरूरी है सबसे मतलब रखना, अपना जो काम कर रहा करो, यहाँ से एकदम भागो, ऐसे करो वैसे करो। अब वीडियो बनाते हुए देख लिया सब बात का, बस लाठीचार्ज करने लगा, मारपीट करने लगा, हम लोग के साथ गाली गुत्ता करने लगा। वहां से हम लोग जान बचा के भाग रहे हैं, कैसे हम लोग भागे हम ही लोग जानते हैं। फिर हॉस्पिटल में हम लोग गए मलहम पट्टी करवाने, वहां पे डॉक्टर हम लोग का क्या एप्लीकेशन लिख के नहीं देता डॉक्टर लोग, और एप्लीकेशन आके फाड़ दिया, बोला तुम बिना थाना से पूछताछ किए तुम कैसे ये लोग का एप्लीकेशन लिख के दे दिया। बस यही है, SSP के पास आए थे तो एक सर तो है नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं पता नहीं, और दूसरे सर के पास हम लोग गए थे तो उनके पास भी पेपर जमा करने गए तो वो भी जमा नहीं लिए है ना। अगर कार्रवाई इसको नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हमारा जितना किन्नर समाज है, हमारा जितना NGO है, सब आके यहाँ पे धरना देंगे। मारपीट हो चुका है यहाँ पे, उसका भी हम लोग रिटर्न कंप्लेन दिए थे, आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ। उस समय भी मेरा फोन छीनाया था, वो जो टाइगर मोबाइल वाला था, वो लोग फोन छीना था, बैग छीना था, सब किया था। डिन्ना में उलीडी थाना के पास जो मारपीट हुआ था मेरे साथ, कोई सुनवाई नहीं हुआ इस चीज का भी लेके। उस समय भी बड़ा बाबू के पास आए थे हम लोग, रिटर्न कंप्लेन दिए, सब कुछ किए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार क्या चाहता है टाटा में सरकार लोग, किन्नर लोग रोड में खुले हम नहीं घूमे, वो लोग क्या चैन का सांस नहीं ले? नाम आपका? मेरा नाम शिल्पी सिंह है।